खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर शादा निशाना। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना अन्याय आजम खान के साथ हुआ है उतना देश में किसी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा, मैं लखनऊ से चलकर बरेली पहुंचा, बरेली से रामपुर, रामपुर से मुरादाबाद और रास्ते भर पुलिस कप्तान को फोन करता रहा लेकिन फोन नहीं उठा। कैसे चलेगा जब पुलिस अधिकारी भाजपा के एजेंट बन जाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा चलाई, समाजवादी पार्टी के लोगों को जबरन उठाया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। बाय। वो परिस्थितियां आप बेहतर समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ आसपास के जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम, सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा, वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का न्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप। और ये एक घटना नहीं है, झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहां किस समय था। वो मौके पर नहीं, उसको जेल भेज दिया, ईडी, सीबीआई जितनी भी संस्थाएं वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं।